आज की वीडियो में हम बाबा फरीद जी का वाक्या जानेंगे। जब वो मुर्शिद की तलाश में थे, रूहानियत का रंग ढूंढ रहे थे, तब उनकी जिन फकीर से मुलाकात हुई उनका वाक्या जानेंगे। बाबा फरीद जी रूहानियत के रंग की तलाश में एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ उन्हें पता लगा कि उधर एक पहाड़ी पर एक कामिल फकीर है जो पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तो बाबा फरीद जी ने सोचा कि उन फकीर से मुलाकात की जाए, क्या पता उनसे रूहानियत का रस मिल जाए। तो लोगों से पूछते पूछते बाबा जी को उन फकीर का आसन पता चला। जब बाबा फरीद जी उस पहाड़ी पर पहुंचे और उस चोटी पर पहुंचे तो बाबा फरीद जी ने देखा कि उस पहाड़ी पर एक ही मकान है जो उन फकीर का है। जब बाबा फरीद जी उस मकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मकान के बाहर एक लात पड़ी है जो सूखी हुई है। बाबा फरीद जी सोच में पड़ गए कि इतने ऊंचे पहाड़ पर सिर्फ एक फकीर रहते हैं तो ये लात यहाँ क्यों पड़ी है। बाबा फरीद जी फिर अंदर गए तो उन फकीर से बात की। वो फकीर एक कंबली लेके बैठे हुए थे। बाबा फरीद जी ने उनसे बातचीत की और पूछा, बाबा जी जो लात बाहर पड़ी है उसके बारे में मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहे हैं, वो लात किसकी है, ऐसे बाहर क्यों पड़ी है। तो उन फकीर ने अपनी कंबली उठाई और दिखाया, वो लात हमारी है। तो बाबा फरीद जी ने पूछा, वो ऐसे कटी हुई बाहर क्यों पड़ी है। तो उन फकीर ने बाबा फरीद जी को बताया कि हम अल्लाह पाक की इबादत करने वाले हैं, फिर वो अल्लाह पाक हमारी परख भी करता है। एक बार ठंड का मौसम था, बारिश होके हटी थी, सर्दी ज्यादा बढ़ गई थी, फिर धूप निकली और वो फकीर कहते, मैंने सोचा कि धूप ली जाए। जब मैं धूप लेने के लिए धूप में बैठा, अचानक उस खुदा पाक ने एक करामात की। एक खूबसूरत औरत इधर ही आ रही थी और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो देखता ही रह गया। शैतान ने इतना पहरा डाल दिया था मेरे मन के ऊपर कि मैं उस औरत को काफी देर तक देखता ही रहा। जब वो औरत मेरी आंखों से दूर चली गई, मुझे दिखनी बंद हो गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके पीछे जाके इसे एक बार फिर देखा जाए। शैतान ने इतना पहरा कर लिया था, मेरी बुद्धि खो गई थी कि मेरे जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया, इतनी ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ मेरा ही उजरा है, कोई और उधर कैसे आ सकता है इस वक्त। वो फकीर कहते, जब मैं उस औरत को देखने के लिए चलने लगा तो मैंने पहले ये लात बाहर निकाली और उसी वक्त मुझे आवाज आई कि यारी हमारे साथ और जाए गैरों के पीछे। तब मुझे ख्याल आया कि ये करामात मेरी परख के लिए थी और इसमें मैं नाकामयाब हो गया। फिर मैंने यही लात निकाल रखी थी और उसी वक्त मैंने उसी जगह ये लात काट के वहीं फेंक दी, पर उस खुदा की बंदगी में तब से मैं इधर ही बैठा हूँ। तो संगत जी, ये होती है असली फकीरी। धन्यवाद।